खुदा हाफिज चैप्टर 3 आ रहा है तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल 3 आएगा, डेफिनेट आएगा, 100% आएगा। उसकी जो झलक है आपको एक पिक्चर जब देखेंगे इसके लास्ट सीन में आपको मिल जाएगी। Yes, you have to watch the film for that. You said it. तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर 3 क्या होगा। Question is to Farooq sir. Of course, part 1 में हमें विद्युत बहुत अच्छे लगे, but it's just a general instinct पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में विद्युत के अलावा कोई और नाम नहीं आया for chapter 2? नहीं सुनिए, नहीं मेरा मेरा अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं सर, बहुत लग रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, वन भी पसंद आया ना जी। अभी एक और डायमेंशन देखिए ना इनका, देखिए ये आप लोग इस चीज में अटक गए हैं कि विद्युत एक एक्शन स्टार हैं। अच्छा है, यकीन रखना उसको। मैं उनको थोड़ा उस दायरे से और ज्यादा देखता हूँ शायद मैं, क्योंकि पर्सनली जानता हूँ, आई नो हु इज एज अ पर्सन, तो मुझे और बहुत सारे पहलू उनमें दिखते हैं, वही सारा इमोशन यहाँ दिखता है। ही इज अ वेरी इमोशनल पर्सन, यू जस्ट कांट सी इट बिकॉज यू सी द इमेज दैट यू सी ऑन स्क्रीन, बट आई नो द पर्सन बिहाइंड दैट इमेज, सो देन आई कैन टेक अ लॉट मोर फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी टू इंटरप्रेट इट इन टू द फिल्म। और सर म्यूजिक की बात की जाए तो जान बन गए वाज अ वेरी हिट नंबर फ्रॉम द चैप्टर 1, तो चैप्टर 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी जी, ये अच्छा सवाल था आपका। तो इस फिल्म का म्यूजिक बहुत बहुत स्पेशल है हम सब के लिए। खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के गाने आपको पहले से ज्यादा पसंद आने वाले हैं, और जान बन गए का आपको बखूबी जवाब मिलेगा मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस में, हमारे साथ क्रू में मेरे बहुत ही चहेते बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक माइस्ट्रो मिथुन बैठे हुए हैं जिन्होंने जान बन गए क्रिएट किया, और मिथुन के साथ साथ जान बन गए की जान वो आवाज विशाल मिश्रा की, वो भी साथ में बैठे हुए हैं। तो इस बार एक्चुअली आई फील के ये मेरी खुशकिस्मती है कि कबीर सिंह के बाद कबीर सिंह के म्यूजिक के बाद मिथुन और विशाल मिश्रा फिर से साथ आ रहे हैं खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के लिए, और आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाला है म्यूजिक। मिथुन ने ऑफ कोर्स जो ट्रैक क्रिएट किया है उसकी आज हम आप लोग को एक सरप्राइज झलक देंगे। विशाल ने भी दो गाने बनाए हैं, एक और गाना है शब्बीर अहमद जिन्होंने गाना एक और चौथा बनाया है फिल्म का, बट यू आर गोइंग टू लव द म्यूजिक, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट। वाओ, वन लास्ट क्वेश्चन एंड आगे बढ़ेंगे। जी मैम। हाय विद्युत। हाय शमा भगत। विद्युत, यू हैव बीन एन एक्शन स्टार, यू नो एवरीवन नोज दैट, बट हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू टू कम आउट ऑफ द इमोशनल सीन्स? डू यू टेक द कैरेक्टर होम और डू यू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इजीली? हाँ, इनको लगता है मैं घर लेके जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ और अपनी बेटी को ढूंढता हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? मैम एक प्रोसेस है ये, मैं जब इंटरव्यू सुनता था एक्टर्स के और मैं सुनता था वो क्या बोलते हैं, समझ सब आती थी, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट इट, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। जब मैं वहाँ होता हूँ तो बहुत गंभीर हो जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं बाहर निकलता हूँ मुझे बहुत मजे आते हैं। वी नेवर यूज टू स्पीक टू ईच अदर ऑन द सेट आउट ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी इज इन कैरेक्टर, आई एम इन कैरेक्टर, बट द मोमेंट इट गॉट ओवर वी वर लाइक हेलो क्या प्लान है कल का, कुछ नहीं शूटिंग है। So, ma'am, थोड़ा अलग है मेरा प्रोसेस, when I'm there, I'm there, I'm 100% there. They are both very disciplined, nobody uses their phones on set, etc. So, the discipline on set is very good. क्या लेने देना है भाई? ऐसे थोड़ी रूम मत बनाओ ऐसे। नहीं नहीं, है distraction से बचना। Thank you so much, ladies and gentlemen, and आइए। खुदा हाफिज चैप्टर 3 आ रहा है तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल 3 आएगा, डेफिनेट आएगा, 100% आएगा। वो उसकी जो झलक है आपको एक पिक्चर जब देखेंगे इसके लास्ट सीन में आपको मिल जाएगी। Yes, you have to watch the film for that. You said it. तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर 3 क्या होगा। Question is to Farooq sir. Of course, part 1 में हमें विद्युत बहुत अच्छे लगे, but it's just a general instinct पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में विद्युत के अलावा कोई और नाम नहीं आया फॉर चैप्टर 2? नहीं सुनिए, नहीं मेरा मेरा अच्छा नहीं लग रहा है क्या?
कड़क लग रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, वन भी पसंद आया ना जी। अभी एक और डायमेंशन देखिए ना इनका, देखिए ये आप लोग इस चीज में अटक गए हैं कि विद्युत एक एक्शन स्टार हैं। अच्छा है, यकीन रखना उसको। मैं उनको थोड़ा उस दायरे से और ज्यादा देखता हूँ शायद मैं, क्योंकि पर्सनली जानता हूँ, आई नो हु इज एज अ पर्सन, तो मुझे और बहुत सारे पहलू इनमें दिखते हैं, वही सारा इमोशन यहाँ दिखता है। ही इज अ वेरी इमोशनल पर्सन, यू जस्ट कांट सी इट बिकॉज यू सी द इमेज दैट यू सी ऑन स्क्रीन, बट आई नो द पर्सन बिहाइंड दैट इमेज, सो देन आई कैन टेक अ लॉट मोर फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी टू इंटरप्रेट इट इन टू द फिल्म। और सर म्यूजिक की बात की जाए तो जान बन गए वाज अ वेरी हिट नंबर फ्रॉम द चैप्टर वन, तो चैप्टर टू में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम जी that? जी ये अच्छा सवाल था आपका। तो इस फिल्म का म्यूजिक बहुत बहुत स्पेशल है हम सब के लिए। खुदा हाफिज चैप्टर टू अग्नि परीक्षा के गाने आपको पहले से ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और जान बन गए का आपको बखूबी जवाब मिलेगा मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस में, हमारे साथ क्रू में मेरे बहुत ही चहेते बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक माइस्ट्रो मिथुन बैठे हुए हैं जिन्होंने जान बन गए क्रिएट किया, और मिथुन के साथ साथ जान बन गए की जान वो आवाज़ विशाल मिश्रा की, वो भी साथ में बैठे हुए हैं। तो इस बार एक्चुअली आई फील के ये मेरी खुशकिस्मती है कि कबीर सिंह के बाद कबीर सिंह के म्यूजिक के बाद मिथुन और विशाल मिश्रा फिर से साथ आ रहे हैं खुदा हाफिज़ चैप्टर टू अग्नि परीक्षा के लिए, और आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाला है म्यूजिक। मिथुन ने ऑफ कोर्स जो ट्रैक क्रिएट किया है उसकी आज हम आप लोगों को एक सरप्राइज झलक देंगे। विशाल ने भी दो गाने बनाए हैं, एक और गाना है शब्बीर अहमद जिन्होंने गाना एक और चौथा बनाया है फिल्म का, बट यू आर गोइंग टू लव द म्यूजिक, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट। वाओ, वन लास्ट क्वेश्चन एंड आगे बढ़ेंगे। जी मैम। हाय विद्युत। हाय शमा भगत। विद्युत, यू हैव बीन एन एक्शन स्टार, यू नो एवरीवन नोज दैट, बट हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू टू कम आउट ऑफ द इमोशनल सीन? डू यू टेक द कैरेक्टर होम और डू यू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इजीली? हाँ, इनको लगता है मैं घर लेके जाता हूँ मैं घर जाता हूँ और अपनी बेटी को ढूंढता हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? मैम एक प्रोसेस है ये, मैं जब इंटरव्यू सुनता था एक्टर्स के और मैं सुनता था वो क्या बोलते हैं, समझ सब आती थी, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेड इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। जब मैं वहाँ होता हूँ तो बहुत गंभीर हो जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं बाहर निकलता हूँ मुझे बहुत मज़े आते हैं। वी नेवर यूज टू स्पीक टू ईच अदर ऑन द सेट आउट ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी इज़ इन कैरेक्टर, आई एम इन कैरेक्टर, बट द मोमेंट इट गॉट ओवर वी वर लाइक हेलो क्या प्लान है कल का? कुछ नहीं, शूटिंग है। So, ma'am, थोड़ा अलग है मेरा प्रोसेस, when I'm there, I'm there, I'm 100% there. They are both very disciplined, nobody uses their phones on set, etc. So, the discipline on set is very good. Discipline का क्या लेना देना है भाई? ऐसे थोड़ी रूल मत बनाओ ऐसे। नहीं, है, distraction से बचना। Thank you so much, ladies and gentlemen, and आइए।